ए चंपा, मैं तुझको खरीदा हूँ रे, खरीदा हूँ, तुम मेरी हो मेरी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिलहाल घर के पास हूँ अभी। और बहुत धूप है भाई आज, और मुझे जाना है सिमडेगा। और सिमडेगा इसलिए क्योंकि वहाँ पर बड़का बड़का आम मिलेगा, ऐसे भाई लोग को बोल दिए हैं। और वहाँ पर मतलब दो आम से, दो आम में एक केजी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो नानी घर है, वहाँ पर हम जाएंगे। प्लस वहाँ पर आज लास्ट जो होता है नाटक का प्रोग्राम होता है, डांस वगैरह चलेगा, तो वो भी देख लेना है। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। तो गाइज, अभी हम काम करके निकल रहे हैं, शाम हो गया और अभी जाएंगे हम मेहमान तरफ से, मिलेगा खिचड़ी और आज नाटक दिखाएगा ना, तो मजा करना है आज। हेलमेट लगा लिए हैं, बिना हेलमेट कम चलते नहीं हैं, तो बहुत लोग देखते हैं ना, इसलिए हेलमेट लगाना ज़रूरी है, उसके बाद ही बाइक चलाना चाहिए। तो गाइज, पेट्रोल कम लग रहा है, पेट्रोल ले लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद निकलेंगे। गाइस सामने देख सकते हैं ब्लैक फूट, थोड़ा सा बाल्टी भी टांग रखा है कुछ। चलो गाइस, ये ऑटो वाले बहुत गलत करते हैं भाई, रोड में ही खड़े कर देते हैं, रोड इतना ज़्यादा जाम हो रहा है। यहाँ पर पुलिस वैन भी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। रुकिए भाई, ब्रेक नहीं लग रहा है। आज हम थोड़ा दूसरा रूट से चलेंगे। बहुत दिन हो गया जब से हम यहाँ पर रहते थे, तब से अभी तक यहाँ पर रोड नहीं बना और ऐसे ही चल रहे हैं लोग, ऐसे लहराते बलखाते इधर उधर। और फाइनली गाइस खिजरे पहुंच चुके हैं और इधर कार्यक्रम का पूरा सेट लग चुका है, डीजे वीजे सब लग गया। कैसे ना हरीश दीदी मन। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं खिजरे में नानी घर, और यहां पर है आम का पेड़, इतने सारे दिख रहे हैं इधर चारों ओर, यही सब आम का पेड़, बहुत मज़ा आता है, मस्त मीठा मीठा। तो हमको चाहिए यहाँ का पेड़, नहीं यहाँ का आम चाहिए, पेड़ नहीं चाहिए, इस वाला पेड़ का, और बड़ा बड़ा वाला चाहिए। तो पता नहीं है कि नहीं है, तो कल सुबह इसको तोड़ना है, अभी तो नहीं तोड़ेंगे, अभी ये पहुँचे हैं तो अभी आम पेड़ नहीं चढ़ सकते हैं, इसलिए अभी नहीं तोड़ेंगे, तो सुबह तोड़ेंगे। और आज देखना है डांस, और भाई हम भी डांस करेंगे शायद, अभी नाचेंगे, खुल के नाचेंगे पूरा मस्त। इधर सुशीला तैयार हो रही है, और एक सिस्टर भी थी, वो भी तैयार हो रही थी, अभी तैयार हो चुकी है, लिपस्टिक प्लास्टिक सब लगा चुके हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं देखने, बहुत भयानक एक्साइटेड है। कैन यू स्लीपर गाइस, पहुंच गए हम लोग नाटक वाला एरिया में, और देख सकते हैं अभी अभी भीड़ चालू हो रहा है और डांस स्टार्ट हो गया है, लेकिन कॉपीराइट का इशू है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। और देख सकते हैं भीड़ भड़ा का पूरा भयानक है इधर, लेकिन लाइट की वजह से थोड़ा सा हेलो अंधकार दिख रहा होगा, और यहाँ पर पूरा भीड़ जैसे चांद के बिना सारी। कभी हमारे लिए भी आओ यहाँ हवेली में, हम तुम्हें रानी बना कर रखेंगे रे रानी। मैं तुम्हारी रानी नहीं, मैं चंपा हूँ चंपा। अरे चंपा हो या चमेली, बड़ा की हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूबसूरत हसीना को छोड़ देना मेरे जैसे नौजवान की बस की बात नहीं, एक बार कलेजे से लगा ले मेरी रानी। गजब की सूरत है तुम्हारी, हाय हाय मर जावा तेरे प्यार में। बांस के जड़ में बासी पैदा होता है, चंदन में नहीं। हम तुमको पालूंगा रे, हम पालूंगा, मेरे पास दौलत है, मेरा बाप का थोड़ा बहुत इज्जत है,
सबको दे सकता हूँ तुम्हें, सबको मत अपना वे, लेकिन वे मेरे मन के मंदिर के देव हैं, जिन्हें जिंदगी भर एक ही फूल अर्पण करती रहूंगी। हम तुमको बहुत खुश रखूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, रानी के जैसे रखूंगा, रानी के जैसे, गरीब जैसे नहीं, हम तुम्हें सिर में चढ़ा कर रखेंगे और घर में रखेंगे, घर में। मैं कोई भिखारी नहीं जो तुम मुझे कुछ देने की बात कर रहे हो। मोहब्बत दो दिलों का पवित्र मिलन होता है, मोहब्बत में पवित्रता होती है, महानता होती है और सच्चरित्रता होती है। मोहब्बत महानता, अरे मोहब्बत महानता का बात करती है, बहुत समझदार होती है चंपा, कभी हमें भी सिखाओ, हमारे घर में मोहब्बत मोहब्बत खेलेंगे। हम किया हूँ का कर लेगा, गिरवार पकड़ने का हम जानते हो जरा, तुम्हारा मौत हो सकता है, अनाथ हो जाओगे तुम, मौत मौत से कौन डरता है। गंगाराम के भाड़ू को टाटू होगा गुंडे के लिए, और तीसरी गोली तुम्हारे नाम भी रखूंगा। हमारा गोली हम का तो मारने के लिए अभी तक गोलियां नहीं बनाया है, तो मुझे मारने के लिए मौत को गले लगाने होगा, गले लगाना, जैसे हम दिन भर गले लगाता हूँ मौत को, मौत से खेलता हूँ, मौत से खेलता हूँ। अरे चम्मक छलो, अगर तुम मेरी न हुई ना तो इस तेरी गोरे गोरे चिकनी चमेली बदन को कुत्तों के आगोश में डाल दिए जाओगे, और जिंदगी भर कुत्तों के जैसे बा बा करते फिरोगे। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ सोरा, याद रखना मेरे बाप का नाम है जसवंत राव जमींदार, तुझे तो यूं ही खरीद सकता हो रे, अरे सच छोकरी तो मैं बाजू में रखता हूँ, लेकिन थोड़ी खूबसूरत है तो दिल आ गया रे, दिल आ गया, अभी तो जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पे थोक के चला जाता। वाह क्या सीन था, मैं अभी अभी सपना देख रहा था रे। सपना? कैसा सपना देख रहा था, जरा हमें भी बताओ। जोकर नहीं जानते क्या? बिल्कुल नहीं जानते। अब मैं आईपीएस करने वाला हूँ। आईपीएस? आईपीएस ये किस कुत्ते के पिल्ले का नाम है रे? ओ समझा, तू आईपीएस करेगा, मतलब अब तू आलू चाप सेलिंग करेगा। गुल्लू का पट्टा, तुम तो बिल्कुल कपर का कपर ही रह गया रे। हाय हाय क्या स्वभाव हो तुम, ऊपर से तेरी जवानी की नजाकत, अरे तुम तो हुस्न की वो मलिका हो, अरे जिसपे मैं अपना दिल हार बैठा। मेरा रास्ता छोड़िए बाबूजी, बुढ़ापे में ईमान का भी ख्याल। ईमान? अरे मैं मजबूर हूँ चंपा, तुम तो दुनिया की वो हस्ती हो जो मैं एक राजा हो भी तेरे सामने भिखारी हूँ रे भिखारी। मुझे पानी ले जाने दीजिए बाबूजी, घोड़ा बहुत प्यासा होगा। घोड़ा प्यासा होगा? अरे हम भी तो प्यासे हैं। एक जानवर का इतना ख्याल रखती है, अरे मेरे बारे में क्या ख्याल है तेरा? एक राजा इतना नीच हो सकता है, इसका भी पता चल गया। ए बदतमीज छोकरी, बहुत मत तोहर नाटक रहे, नहीं तो ये तो गोर गोर चमड़ी बहुत जल्द काली कर दी जाए, और ये तो कदराल रूप चंद पल में मेरी हो जाएगी, मेरी। मेरा रास्ता छोड़े बाऊजी, मुझे पानी ले जाने दीजिए। ए चंपा, चिड़िया अगर आसमान के आखिरी हद तक क्यों ना उड़ जाए, लेकिन दाने के लिए उसे जमीन पे आना पड़ता है, और जहां जसवंत रोए रहता है, और दाने के लिए हम किसी के भी पैर काट सकते हैं। अरे जा रहे अभी, सच धज के रहना, अच्छी है तू मेरी है, चल रे पंटर। तुम लोग भी सो जाओ,
चंपा, ओ चंपा किधर चल गई रे? चंपा बाबा का ध्यान रखना, मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है। आओ बच्ची आओ, ये लो प्रसाद खा लो। ले प्रसाद।